प्लीज मुझे माफ कर दे। किया माफ, जो तुमने किया मैंने माफ किया, जो भूल तुमसे हुई उसे भी भुला दूंगी मैं। लेकिन कल को अगर तुमने अपने माजी को अपने हाल से उलझाया तो मैं भी नहीं सुलझा पाऊंगी दिलनिशी। इस तरह की मोहब्बत कांटे की तरह होती जो इज्जत को तार तार कर देती है। हैदर ने हमारी तार होती इज्जत को बचाया, इज्जत दी, अपना नाम देकर तुम्हें इज्जत बख्शी, हमें फिर से सर उठाकर जीने का हक दिया। वादा कर, वादा कर, तुम उस घर को खुशियों से भर दोगी, अपने दुख की परछाई कभी उस घर पर या उस रिश्ते पर नहीं पड़ने दोगी। हो वो मिला क्यों था, अगर उससे बिछड़ना था, वादा करती हूँ कि अब आपका सिर कभी नहीं झुकने दूंगी, मुझे आखिर भाई की नजरें कभी नीचे नहीं हुए तमन्ना क्यों थी जीने की, आपकी तरफ पे कभी हर्फ नहीं आने दूंगी, मेरा ना था, मैं वादा करती हूँ। देखो सादिक, मैं तुमसे कुछ छुपाऊंगा नहीं, हमजा की कंडीशन बहुत सीरियस है, ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाने की वजह से उसकी बॉडी शॉक में है, इसलिए वो कोमा में चला गया। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन श्योर नहीं। क्या क्या मतलब, क्या श्योर कि वो कोमा से निकल भी सकेगा या नहीं? तुम किस कदर बेरहमाना तरीके से बात कर रहे हो अफवान, मेरा बच्चा तुम्हारे सामने जवान हुआ है, तुम्हें अंकल कहता है। मैं भी उसे बेटों की तरह चाहता हूँ लेकिन मैं मजबूर हूँ, जो उसकी कंडीशन है उसमें बिल्कुल हेल्पलेस हो गया हूँ मैं। देखो तुम्हें मेंटली तौर पे तैयार रहना होगा, मे बी उसे होश आ जाए, मे बी जब होश में आए तो उसकी बॉडी पैरालाइज हो, मे बी कुछ भी हो सकता है, मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। मेरा बेटा इतना कमजोर नहीं कि चंद कतरे खून के बह जाने से वो हमें छोड़कर चला जाए। और सुनो, जहां तुम्हारी डॉक्टरी खत्म हो जाती है वहां तुम्हें काम आती है। ये यहाँ क्या कर रही है? इसे मैं लाई। आप जानती हैं ना अम्मी, कैसे देखकर मेरा खून खौलता है। खून ने जोश मारा है इसीलिए तो लाई हूँ इसे। चलो माफी मांगो, चलो। वहीं खड़ी रहो। क्या है? वहीं खड़ी रहो। जरूरत नहीं है ये रो धोकर मुझसे माफी मांगने की। दो चार दिन है इस घर में रहो और रुख्सत होकर यहां से चले जाओ। यही समझूंगा कि मैंने तुम्हारी टोली नहीं टोला उठाया। यावर, समझने से अगर काम हो जाता ना तो जिंदगी बहुत आसान हो जाती। इससे गलती हुई है पर अब हो गया ना, अब उसे बुलाकर आगे बढ़ना होगा। इसे रुखसत करना है ना यावर, तो एक भाई की तरह, एक बाप की तरह करना होगा। शुक्र करें कि अप्पू जिंदा नहीं है, वरना इसके करतूत देख के मर जाता है वो। यार प्लीज, कैसी बातें कर रहे हैं आप, कहीं
कहीं से भी देख के लग रहा है कि कुछ दिनों में इसकी शादी होने वाली। हाँ तो ना लगे, ना लगे आफिया। मेरा दिल नहीं मान रहा है इसे माफ करने के लिए, तो क्या करूं मैं? भाई प्लीज माफ कर दें, प्लीज मुझे माफ कर दें भाई। पीछे हटो दिलनशी, प्लीज मुझे माफ कर दें भाई। नहीं मैं नहीं छोड़ूंगी दिलनशी, मैं कह रहा हूँ पीछे हटो। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगी भाई। भाई प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दें भाई। अब्बू के बाद आपने अब्बू की तरह पाला हमें, इतने प्यार से रखा, इतने लाड से रखा। प्लीज ऐसे मत करें मेरे साथ, मुझसे नाराज मत हो भाई प्लीज। मैं नहीं रह सकती आपसे दूर, मैं आपसे नाराज नहीं रह सकती, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आप जब तक मुझे माफ नहीं करेंगे मैं कहीं नहीं जाऊंगी। प्लीज भाई मुझे माफ कर दे प्लीज। बेटा कैसे हो हमजा? हमजा तैयार हो गए? जी माँ। जरा देखूं तो, माशाल्लाह नजर ना लगे मेरे बच्चे। हर माँ को यह लगता है कि दुनिया की सारी नजरें सिर्फ उसी की औलाद को लग रही हैं। अरे पगले, प्यार की नजर भी लग जाती है। आज तो तुम पे बड़ा रूप आ रहा है। गॉड से एक बार रूप लड़कियों पे आता है। और एक्साइटमेंट में ये मत भूल जाएगा कि हमने बारात लेके जानी है, मेरी बारात नहीं आनी। हाँ भाई हाँ, अल्लाह वो दिन भी करे कि इंशाल्लाह मेरी बहू चांद बनकर चमके हमारे आंगन। अरे ये सारा अभी तक तैयार नहीं हुई, बहुत देर लगा देती, पता नहीं लगी होगी, ये नहीं सोच रही कि भाई को आकर देखे, मैं देखू उनसे जाके। जी मैम बस। सारा कैसा लग रहा है?
भरा है। कई बरस पहले वो तो तुमने किया, जो हो गया सो हो गया। अब आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ा लिए हैं तो